बात नहीं हो रही जो आप कह रही हैं कि स्मॉल बिग बन जाएगी, बिग स्मॉल बन जाएगी। वो कह रहे डिफरेंस बताना है कि बिग में और स्मॉल में डिफरेंस क्या है। अच्छा कितनी? 34 होगी या हो गई? कौन से सन की बताई आपकी? 83। ये तो ज्यादा है। क्या हो गया भाई साहब को? फिर 83 तो फिर तो 34 नहीं, फिर तो कैसे 34 भाई? वो कहते हैं लेकिन ये बात मैडम की बिल्कुल सही है कि हर बिग सेल पहले स्मॉल सेल होता है। कि सेल्स में फेलियर के जो मेजर रीजंस हैं वो क्या है? बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस और तकाफुल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो फेलियर्स के असबाब हैं, रीजंस हैं, कॉज हैं। पहले तो मुझे बताएं कि सेल, कोई भी सेल है, सेल को हम कितनी किस्मों में डिवाइड करते हैं? सेल्स की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सेल की दो इकसाम है, एक है स्मॉल सेल और बिग सेल। क्या फर्क है स्मॉल सेल में और बिग सेल में? नाम से क्या समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैडम ये कह रही है कि अगर 10% हो या 5% हो तो वो स्मॉल सेल है, और अगर 50% हो या 75% हो वो बिग सेल है। ऐसे कि यानी अगर 5-10% सेल है तो क्या सेल है उसे? फिलहाल स्मॉल सेल तो आ जाए ना, बिग को छोड़े बिग तो बिग है फिलहाल, कोई 8-10-15,000-20,000-25,000 को कहानी सुनाए इस तरह की मुझे। ऐसे ही है कि नहीं? अगर आप भी स्मॉल सेल समझ के 8,000-10,000 के उसको नहीं करेंगे तो बिग सेल भी जाएगी। ये बात नहीं हो रही जो आप कह रही है कि स्मॉल बिग बन जाएगी, बिग स्मॉल बन जाएगी। मेरे डिफरेंस बताना है कि बिग में और स्मॉल में डिफरेंस क्या है। अच्छा कितनी? 34 होगी या हो गई? कौन से सन की बताई जाती है? 34 लेकिन ये बात मैडम की बिल्कुल सही है कि हर बिग सेल पहले स्मॉल सेल होता है। यार ये सारी चीजें आपने लिखवाई हैं, मुझे कोई भी स्मॉल सेल नहीं है, ये डिफरेंस है। सेल्स में फेलियर के बड़े बड़े रीजन हैं, उन रीजन में से एक रीजन ये भी है, सेल्स पर्सन होता है, जो सेल्स के लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट और सर्विस हमारे पास है ये बिग सेल है या स्मॉल सेल। इसको जो सेल और दोनों को सेल करने का तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की नेचर ही डिफरेंट है। स्मॉल सेल क्या है? स्मॉल सेल की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बिग सेल की भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्मॉल सेल का पहला कैरेक्टरिस्टिक कि डॉलर वैल्यू या रुपी वैल्यू, उसकी वैल्यू है वो कम होगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ता उसके लेने या ना लेने, उसके खरीदने या ना खरीदने, सर्विस अवेल करने से या ना करने से कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ता। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी सेल सिंगल कॉल पर क्लोज हो जाती है, एक ही कॉल में, एक ही मीटिंग में, एक ही निशिस्त में जो भी चीज लेनी है देनी है वो क्लोज हो जाएगी। ये स्मॉल सेल। इससे पहले कि हम इसकी मिसालें पढ़े हमारे दैनिक सेल, जो चीजें स्मॉल सेल में है बिग सेल में इसके बिल्कुल उलट होती है। यहां पर अगर डॉलर वैल्यू या रुपी वैल्यू लो है तो इधर क्या होगी? डॉलर वैल्यू या रुपी वैल्यू हाई होगी, यानी चीज महंगी होती है, सस्ती नहीं होती, महंगी होती। नंबर टू, कि उसके खरीदने या ना खरीदने से सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ता है। सिग्निफिकेंट का वो क्या कहते हैं उर्दू में? खातिर खान। उसको लेने से, खरीदने से, उस
सर्विस को अवेल करने से आपकी सेहत पर, आपके इर्द गिर्द के माहौल पर, आपकी जिंदगी पर खातिर ख्वाह फर्क पड़ता है। ये मतलब है इसका। एक ही नशिस्त में चीज खरीद ली जाती है, ये बेच दी जाती है, सर्विस अवेल कर ली जाती है, ये सर्विस दे दी जाती है। बिग सेल में क्या होगा? आमतौर पे एक से ज्यादा मीटिंग्स दरकार होती है ये सेल क्लोज करने। आमतौर पे मोर देन वन मीटिंग्स, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। बड़ी सेल इससे पहले कि हमारा सेल्स कोड क्लोज हो जाए, दोबारा वो सेल क्लोज कर दें, क्योंकि दोनों में से एक चीज पहले होगी, या सेल पहले क्लोज हो जाएगी या सेल्स कोड पहले क्लोज हो जाएगा। मोर देन वन कॉल चाहिए होगी बिग सेल को क्लोज हो जाएगी। ये मार्कर डॉलर का मार्कर है। क्या प्राइस है इसकी? ये मार्कर खरीदने से पहले मैं तकरीबन एक हफ्ते की रिसर्च करूंगा कि यार मार्कर डॉलर का अच्छा है। ये अगर मैं खरीदूं या ना खरीदूं, इससे मेरे दफ्तर पर और मेरे पर और मेरे घर पर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। और ये एक ही दफा जाके ये नहीं खरीदूंगा, दो चार दुकानें फिर के और फिर जाके मैं ये मार्कर खरीदूंगा, ऐसे ही होगा। खुदा से डरे यार, कौन ऐसे करता है यार। ये 50 रुपए का 80 रुपए का मार्कर मैं जाऊंगा जाके खरीदूंगा जिस दुकान से मिलेगा। और अगर मैंने एक मार्कर लेना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 रुपए का पेट्रोल लगा के राजा बाजार जाऊंगा, उसके बाद में अपना टाइम इसकी डॉलर वैल्यू रूपी वैल्यू सिर्फ 80 रुपए, इसके लिए इतना दिमाग कमाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने डब्बे लेने हैं पूरे दफ्तर के लिए, वो एक अलग मामला है। एक मार्कर लेना है और आपकी इंस्टेंट नीड है, वो आप नीचे से खोखे से ले लेंगे तो पूरी हो जाएगी, लेकिन दो से एक ही बात या सेल हो जाएगी या फिर तेल। सेल्स के लोगों को ना ये सब पहले दिन से ही है ना, वो बैल मार या इज से सेल हो जाती है। ठीक है, बड़ी अवेलेबिलिटी की जरा फलाना बंदा इतनी सेल लिख रहा है, या फिर इज्जत तेल हो जाती है। एक मार्कर जो 50 रुपए का या 60 रुपए का या 80 रुपए का, इसकी डॉलर वैल्यू कम है। इसके खरीदने से मैं ये जैसे घर लेके जाऊंगा बच्चों के लिए, वो मार्कर लिख रहे हैं, ऐसे ही होगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यार एक मैंने मार्कर लिया है नहीं लिया, क्या हुआ, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मेरी जिंदगी भर इसका। मतलब मेरे बैग के अंदर पड़ा है तो कोई ये नोटिस नहीं करेगा, बहुत चोर। और तीसरा, आमतौर पे सिंगल कॉल, एक तो बजा दुकान में जाकर इतना ज्यादा लंबी चौड़ी मुझे तक दो करने की। अब मैंने गाड़ी ली, छोटी गाड़ी लेनी है, और इससे 60 सीसी जो गाड़ी है तकरीबन वो 12-13 लाख से शुरू हो रही है। अगर मैं 14-15 मॉडल देखना चाहूँ, 12-13 लाख से शुरू हो रही है और जा कहाँ तक रही है, 17 लाख 18 लाख। शादी किसी बंदे की या होती है या वो खुद करता है या घर कराते हैं। अगर हम इसको एज अ सेल की मद में देखें, बिजनेस की मद में, तो ये स्मॉल सेल है या बिग सेल है, या ये हम बैसिंग करेंगे ये सेल है या नहीं है। अगर हम इसको एज अ सर्विस देखें या एज अ प्रोडक्ट देखें, तो ये दोनों में से किस में फॉल करेगी? बिग सेल। क्यों? ये बात है, जब आप इतने खर्चे करते हैं, बड़े खर्चे होंगे, शादी बड़े खर्चे होंगे, ऐसे खाने पीने आने जाने कपड़े दुल्हन पार्लर जूते रिश्तेदारों के कपड़े मिठाइयां आ रही है जा रही है, तो थोड़ा खर्चा है। इधर तो 8-8, 10-10 कटे हो जाते हैं लाखों में, क्या कभी तो करोड़ों में खर्चा चला जाता है। और फिर आमतौर पर रिश्ता कैसे होता है कि जैसे ही एक लड़के वालों के जो घर वाले हैं, लड़के वाले के जो लड़की वाले में जाते हैं, पहले दिन नहीं बस कहते आज हमने लेके जानी है लड़की, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेरी बात पहली दफा मुलाकात हो रही है दोनों की, तो फिर जब आप खर्चा नहीं करें तो किस तरह आप लड़की लेके जाएंगे? पहले तो कितने रिश्ते देखेंगे, 20-30 रिश्ते देखेंगे, फिर जब आप पसंद आएंगे, फिर आज वो आ रहे हैं, कल को ये जा रहे हैं, मिठाइयां इधर से आ रही हैं, उधर से जा रही हैं, कपड़े, वो एक लंबा प्रोसेस है। बस बोला उड़ा रहा है, बस खुश।
आमतौर पे एक कॉल पे एक मीटिंग में क्लोज नहीं होता ये। और आज मुनीब साहब अकेले घर जा रहे हैं, कल को अपने साथ बेगम घर ले जाए और घर वालों कहेंगे जी है थोड़ी नू है। वो कह रहे नू नहीं है अभी तो तेरा मुंह है तेरा मुंह है क्या होगा किधर से ले आए हो भाई ये इसका क्या मतलब है कि मेरे मेरी जिंदगी पर और मेरे घर वालों की जिंदगी पर इसका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ेगा। मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा तेरा मुनीब साहब कोई वोटी ले आया है ऐसे नहीं के बाद मुंह उठा के बोले तो इसका एक बड़ा बकायदा एक प्रोसीजर है। यानी अगर हम इसको सेल्स की मद में देखें तो एक बिग सेल है ये, वो प्रोसीजर इसमें फॉलो करने पड़ते हैं शादी के प्रोसेस में जो कि बिग सेल के प्रोसीजर है। क्लियर हो गया बिग सेल में और स्मॉल सेल में का डिफरेंस है पता चल गया कि ये डिफरेंस है। और आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि इंश्योरेंस या तकाफुल की जो सेल है प्रोडक्ट की या सर्विस की, प्रोडक्ट है या सर्विस है, बिग सेल है या स्मॉल सेल है, इंश्योरेंस या तकाफुल की प्रोडक्ट या सर्विस है जो हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं ये बिग सेल है कि स्मॉल सेल है। प्रोडक्ट हमने दी 25 लाख की, मतलब 25,000 का सालाना का प्लान है, छोटा सा प्लान है लेकिन उसकी जो प्रोटेक्शन है वो तो लाखों में 10 लाख 15 लाख बिल्कुल ऐसे उसके उस प्रोडक्ट या सर्विस के लेने या ना लेने से क्लाइंट की जिंदगी पर और उसकी जो घर वाले जिंदगी पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ता है। तो ये तो पूरा हो गया इंश्योरेंस में तकाबुल में। आमतौर पर क्या होता है जैसे हम क्लाइंट पास जाते हैं पहले से ही पैसे तैयार करके उसे रखे होते हैं, जाते हैं हम प्रपोजल बाद फिर होता है पैसे हमें पहले मिलता है, ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है नहीं, 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 नहीं। हुआ है सर, उसको मिन्नतें करनी पड़ती है प्रपोजल फिल करके साइन करके फिर भी पैसे नहीं देते। कल आना परसों आना सेकंड मीटिंग थर्ड मीटिंग प्लान ले आओ ये चेंज कर दो कुछ 3-4-5-6 मीटिंग्स के बाद जाके केस क्लोज होता है। ये पूरा हो गया 25,000 हो सकता है हमारे लिए छोटा हो लेकिन क्लाइंट के लिए कोई अमाउंट छोटी नहीं है। बंदा अगर 25,000 का प्लान ले रहा है हो सकता है उसकी महाना आमदनी ही 25,000 हो, उस बंदे की उसकी महाना आमदनी 25,000 हो या 20,000 हो तो ये आपकी नजर में शायद है लेकिन इसकी डॉलर वैल्यू और फिर जो क्लेम की बात में उसको पैसे मिलने उसकी डॉलर वैल्यू बहुत हाई है, जो प्रोडक्ट और सर्विस की डॉलर वैल्यू बहुत हाई है। यहां तक हमें ये बात हमें क्लियर हो गई कि तकाफुल या इंश्योरेंस दैट इज बिग सेल मेजॉरिटी रीजन, द रीजन बड़े बड़े सेल्स पर्सन बड़े बड़े जो सेल्स पर्सन है वो मार खाते हैं मार्केट में, उनका प्रोडक्ट और सर्विस होता बिग सेल की कैटेगरी का है लेकिन उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं स्मॉल सेल की तरह। लैरो 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 मार्कर लैरो इंश्योरेंस लैरो इंश्योरेंस, अगर कोई बंदा ऐसे करके पीछे से गली में से होता हुआ गुजर जाए तो क्या उसके बारे में क्या राय है? इस तरह रद्दी तो बिक सकती है, टीम नवा जो आते हैं वो तो हो सकता है लेकिन इंश्योरेंस को अगर इस तरह निकल जाए इंश्योरेंस लैरो इंश्योरेंस लैरो इंश्योरेंस आ रहा है इंश्योरेंस क्या होगा नतीजा क्या होगा नतीजा क्या होगा? तो बड़े बड़े रीजंस में से जो हम फेलियर्स के रीजन देखते हैं वो रीजन बड़े रीजन में से एक रीजन ये है कि प्रोडक्ट या सर्विस उनकी बिग सेल की नेचर का है लेकिन उसको स्मॉल सेल की तरह बेचने की कोशिश करते हैं। सच्ची बात है हम भी यही करते हैं, हम सर 25,000 का प्लान है ना कौन सी कोई क्यामत आ जाएगी, उन्होंने आपको इतना दिया तो ये दे उसको क्या फर्क पड़ता है, हम आमतौर पर क्या कहते हैं क्लाइंट को क्या फर्क पड़ता है दे देंगे पैसे। हमारी प्रोडक्ट बिग सेल की कैटेगरी की है लेकिन हम उसको स्मॉल सेल की तरह बेचने की कोशिश करते हैं।